आजा जिंद शामी आने के तले है, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है। जय हो जय हो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले है, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है। कोयलों पे रात बिताई है, अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, जो सारी बारे नीले आसमान के तले। जय हो शुभे घम, जय हो घमे दिल, जय हो घमे दिल, जय हो लेकिन सुभाष जी सर जैसे गुरु सिखाते हैं जीवन जीना। जीवन के हर अंधेरे में रोशनी देता है गुरु, जीवन के हर अंधेरे में रोशनी देता है गुरु। जब रास्ता बंद हो तो नया रास्ता दिखाता है गुरु। सिर्फ गुरु पिता भी ज्ञान नहीं देते, जीवन कैसे जीना यह भी सिखाते हमारे सुभाष जी चरण गुरु। रोशनी बनकर आए हमारे जिंदगी में, रोशनी बनकर आए हमारी जिंदगी में, ऐसे सुभाष जी गुरुजी को करता हूँ मैं प्रणाम। रोशनी बनकर आए हमारी जिंदगी में, ऐसे सुभाष जी गुरुजी को करता हूँ मैं प्रणाम। जमीन से आसमान तक जो पहुंचाने का रखते हो ना, ऐसे सुभाष जी गुरुजी को करता हूँ मैं दिल से सलाम। जिससे भी देता हर व्यक्ति सम्मान, जिससे भी देता हर व्यक्ति सम्मान, जो करता है गुरुओं का निर्माण, जो बनाता है इंसान को इंसान, ऐसे गुरु को करते हैं सुभाष जी को दिल से सलाम। शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं, खुद तो जहाँ पर है वहीं पर रहते हैं, मगर दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं। अरे ये भी ज्यादा रह पाछिए कतल करना तो निगाह से कर, कतल करना तो निगाह से कर, तलवार में क्या रखा है, और पढ़ाई करने तो हमारे सुभाष जी चारों से रोज बहुत।
परफॉर्मेंस की बात करूं तो इंडियन आइडल ऑनलाइन इंडियन आइडल में सेकंड राउंड तक पहुंचे हुए। आगे मैं नाम लेना चाहूंगा भाई भवानी सिंह भाटी फ्रॉम भगवती। राजस्थान में नाम चाल्यो वे सुहाजी सर है। छोटी छोटी बात पर थे गौर ना करियो, एक बढ़िया सी कविता सुनार जाऊं थे गौर करियो। कह सीकर जयपुर सारे घूम लिया, बसा में धक्को खान के अलावा की कौन मिलियो। तारा नगरु सीकर की टूटी फूटी सड़का पे स्वादी सर को पेट में पानी दड़ियो एक होलियो। समझान का नहीं कोई कमी छोटी तो कोनी, लिखाण गए मामले में स्वादी सर का नोट्स ओम फो दुराटे काट रहे हैं। पढ़ाता मारवाड़ी में पर घरारी पर राज किंगो चल रहे, कोचिंग में आगे हिंदी पढ़ाना शुरू कर दियो, घरारी को एक इशारो चल रहे। मिला वक्त तेरी जुल्फे सुलझाऊंगा। जोश जोश में शायरी बोल तो दी, मैडम सुनता ही शायरी ले गए कांगो शिशो कोचिंग में आ गई। वह दिन बाद में स्वाजी सर शायरी बोलनी छोड़ दी, फिर आई 29 जनवरी की रात, वह दिन चाले स्वाजी सर को पूरे राजस्थान में नाम। रमाकांत जी भी तो फिटा फिटा डायलॉग मारन लग गया, कई छोरा छोरी समझ गए बाता, नीचे नीचे हंसने लग गया। नारायण सर को देख हेयर स्टाइल कई छोरा कॉपी करने लग गया।
विश्वास बिन जानिया सराउन तई लेगे फुटो नदी की लंबाई नापन लग गया। कह खुद को नेम खुद नहीं मारते कादड़ा सर भी तिरछी तिरछी फेंकन लग गया। डाई सिंह सर जी भी कॉमेडी में कुछ कम को नहीं सुरेंद्र सर कल्चर पढ़ाता पढ़ाता टावरन गीत सुनावने लग गया। फिर आई 29 जनवरी की रात वह दिन चाले सुहास जी सर को पूरे राजस्थान में ना। क्या संदीप सर को एक दिन रिश्तों करना रह गया। संदीप सर को एक दिन रिश्तों करना रह गया देखे सॉलिड बॉडी दे गए रुपया 5 बावरीन गोली मारन को ऑर्डर दे गया। कि करोगी मोहब्बत तो ये घर भी छोड़ना होगा हमारे साथ तुम्हें ये शहर भी छोड़ना होगा। टूट जाएगा जब घर वालों से रिश्ता माँ के हाथों से निवालों से रिश्ता अनजाने शहर में ये बुखार भी मर जाएगा प्यार का भूख लगेगी तो ये प्यार भी मर जाएगा। बुलाएंगे घर वाले तो अपने घर को लौट जाओगी हमें ठुकरा कर अपने शहर को लौट जाओगी। सुभाष सर हम पर लगेंगे इन्हें बहकाने के इल्जाम क्योंकि लड़की पे नहीं आते भगाने के इल्जाम। फंस जाएंगे हम जमाने के चक्कर में जवानी कट जाएगी खाने के चक्कर में फिर तू अपने ध्यान से पलट जाएगी मेरी जिंदगी जेल में सड़ जाएगी। उम्र गुजरे जेल में ऐसी नौबत ही ना आए हम चाहते ही नहीं कि मोहब्बत हो जाए। रिस्पेक्टेड सुभाष सर आए हुए सभी मेहमान और टीचर्स और मेरे साथी सभी भावी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती से यही प्रार्थना करते हैं कि सुभाष सर का नाम हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदू हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के हर एक कोने कोने में हो। नाजनी निगाहों से ना देख जी आपकी कश्ती के तलबगार बहुत हैं। जिस शहर में आपने खोली है शीशे की दुकान उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। सभी प्यारे गुरुजनों को शिक्षक दिवस की अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और इस गुरुकुल की नींव गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले आप सभी को पता है अपने सुभाष चारण सर के निर्देशन में इस तारानगर की धरती पर जो गुरुकुल कोचिंग 2 वर्ष से सेवा दे रहे हैं ये आम गरीब बच्चे के हित में जो काम कर रहे हैं गुरुदेव को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की और साथी जन जितने भी गुरुजन बैठे हैं सभी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मन मचल कर प्रेम होना चाहिए एक बार सुभाष गुरुकुल तारानगर का भी दौरा होना चाहिए। अरे सुनने और सुनाने को तो मैं बहुत कुछ आया हूं यहां पर आपकी तालियों में जोर होना चाहिए। इन्हें बस खुद का नहीं दूसरों का माल चाहिए इनको इन्हें बस खुद का नहीं दूसरों का माल चाहिए इनको जरा देखो
मंदिर वे हिली पैया मेरे ते डुली पैया ते मैं बंद शैंपेन वर्गी तेरे नाल खुली पैया वेले पुते गलास कुड़ी कच दा गलास है तेरे विच कोई तां वे गल बात खास है वीर कोल ढेर पे लगे आ गुलाबा ना तेरे लिए फुल लेके आई जत्ता आप है बंबा गया मैं जिथे जावा मुंडे कहंदे बंबा गया तंग आ गया वे कातों तंग आ गया मेरा की कसूर जे पसंद आ गया तंग आ गया वे कातों तंग आ गया मेरा की कसूर जे पसंद आ गया तंग आ गया वे कातों तंग आ गया मेरा की कसूर जे पसंद कोबरे रंग दी जट्टा मैं कुर्ती फिट सवाली वे पतला लक पतलो दा ते अख केसन वाली फेर ना कहीं के जट्टा बां छड़ दे चंदा गया अज आसमान थले चंदा गया तंग आ गया वे कातों तंग आ गया मेरा की कसूर जे पसंद आ गया मास्टर जी
पूरे काम को ही लिख के ना। सुबह से किसी ने भी पढ़ाई नहीं की तो सबका ख्याल रखते हुए मैं करंट अफेयर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई और बहनों और सभी गुरुजनों, तो चलो अखबार पढ़ते हैं। आप 5 अक्टूबर 2022 गुरुवार, आज के मुख्य समाचार रिंकू कंवर के साथ इस प्रकार। अभी अभी हमारे संवाददाता झूठा राम से पता चला है कि देर रात एक कीड़ी 10 किलो सोना और 10 किलो चांदी लेकर फरार। तेज मशक्कत के बाद पता चला है कि वह कीड़ी तो काजला सर के जूते में छुपी है। बाहर पुलिस तैनात है, कृपया सर से निवेदन है कि वह अपने जूते को पुलिस के हवाले करे, जल्द मिशन होगा जारी। यह तारानगर की लगती है, मैंने लिखना भूल गई। मैं आप करंट अफेयर में याद रखिए, इससे पहला क्वेश्चन है, इसमें से बन सकता है एक में। दूसरा जो समाचार है वो अपन चूरू से पढ़ेंगे सर। संवाददाता बिजानिया सर ने बताया है कि आज सुबह एक मच्छर और एक हेलीकॉप्टर की तेज टक्कर, ओह माय गॉड, कुछ नहीं रखा है बातों में, तगारी ले लोगे तुम हाथों में। कुछ नहीं रखा है कुंडो ले लोगा थे औतान। दिन भर किसी की करके गुलामी, नींद नहीं आएगी तुम्हें भी रातों में। फिर ये राजा कुछ नहीं कर पाएगा जब सानू और बापू का बेटा आपको मामा कहकर चला जाएगा। तू किताबों से मोहब्बत करके तो देख, वो सानू बापू का बेटा तुम्हें भी बाप कह जाएगा। तो चलो फिर अगली खबर इस प्रकार। आज सुबह सुबह मीठे के शौकीन नारायण सर मिठाई की दुकान पहुंचे। अगली खबर, एक मकोड़े ने दी संदीप सर को धमकी। एक मकोड़े ने दी संदीप सर, गणित वालों की बात कर रहे हैं, धमकी। सर ने नजदीकी गुरुकुल में रिपोर्ट दर्ज करवाई। साइंस वाले सोनू सर ने भी जताई अपनी चिंता और हिंदी वाले सर ने कराई संधि। अगली खबर, अब तारानगर से काम नहीं चलेगा, वही राजस्थान पूरा, इसलिए सीकर की पढ़ते हैं। सीकर में एक बकरी ने एक मेंढक की हत्या। सबूतों के आधार पर वह बकरी रमाकांत जी की बताई गई। वह बकरी रमाकांत जी की बताई गई, विपक्ष ने जताई नाराजगी। सीकर में आज कर्फ्यू लगने की संभावना। रमाकांत जी ने बकरी का पक्ष लेते हुए अपनी रखी बात। अब भाई अपनी अपनी होती, चाहे वो बकरी हो चाहे कुछ भी हो। अब थोड़ी खेल संबंधी भी जरूरी है, करंट अफेयर में अपने रीट वालों में जोड़ भी रखा है, तो ये भी ध्यान से सुनिएगा। राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक खेलों के अंतर्गत बॉक्सिंग का किया गया आयोजन। निर्णायक राय सर के अनुसार मुलाकात संदीप जी और खल्ली के बीच हुआ। संदीप सर के एकमात्र भूसे से खल्ली की तीनों टांगे, दाई हाथ, तीनों टांगे, दाई हाथ, एक कान और चार बाल टूटे। संवाददाता राय सर के ने पूछा संदीप सर से उनकी सेहत का राज। गहन रिसर्च में पाया गया कि सर पीते हैं रमाकांत जी वाली बकरी का दूध। चलो आगे लास्ट में एक शायरी बोल देते हैं। बंद मुट्ठी से जो उड़ जाती है किस्मत की परी, बंद मुट्ठी से उड़ जाती है जो किस्मत की परी, इस हथेली में कोई छेद पूरा ना होगा। हम वापस लौटेंगे आपसे मिलने मेरे गुरुदेव, वो मिठाई का डब्बा तो केवल एक बहाना होगा। अब सबने गाना गाया है तो मेरा भी मन कर रहा है, मैं गाना लिख के तो नहीं ले गई पर फिर भी गाऊंगी।
काका वाले आने दू ओ तेरे व्याह की खबर उड़ी है ओ तने जान के उड़ाई होनी है ओ तेरे आशिका दे दिल विच नी अग प्यार ने लगाई होनी है कोई खुद खुशी कर ना लवे भर ना लवे कोई खुद खुशी कर ना लवे जर रग विच भर ना लवे ओ कोई मिलना सबूत नहीं नाही रब दी गवाही होनी है तेरे प्रोग्राम अच्छा किया खर्चा पानी भी बढ़िया करे
ਹਮੋ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ 100-200 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਆ ਗਿਆ, ਅਭੀ ਤੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਤਾ ਹੈ। ਹਮਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ ਆਪਕੋ, ਅਬ ਜੈਸਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸਾਇਓ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਏ ਵੀ, ਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਪਕੋ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਆਪਕੋ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਤੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਆਪਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਰੋ ਕਾਮ ਜੋ ਕੋ ਰੱਟੇੜੋ ਕੋ ਵੀ ਮੈਟਰ ਥਾਨ ਬਤਾ ਦਿਓ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਰੱਟਣੋ ਥਾਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਮੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਸੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਂਗੇ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਨਏ ਨਏ ਜਬ ਨਈ ਜਗ੍ਹਾ ਆਤੇ ਹੈ ਤੋ ਨਈ ਨਈ ਬਾਤੇ, ਨਈ 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 ਮਿਲਣੀਆਂ ਵੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੇ ਨਈ ਨਈ ਬਾਤਾਂ ਬਾਦਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੇਰੋ ਕੋ ਫਰਕ ਪਣ ਪੜੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਚਾਲ ਨੂੰ ਬੋਲ ਨੂੰ ਮੰਮੀ ਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਨਈ ਨਈ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨਈ ਨਈ ਬਾਤਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਛਾ ਲੱਗਤਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਸੇ ਜਬ ਬੱਚੇ ਆਈਏ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ ਗਏ ਥੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਰਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ, ਉਨਕਾ ਨਰਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਆਪਕੋ। 8 बच्चे 7-8 बच्चे एक साथ ही आए थे प्रतापगढ़ से। हमारी यही रहती इच्छा किसी प्रकार से यहाँ आए हुए बच्चे को हम संतुष्ट करके भेजें, बस हमसे जितना हुआ। रीट की शायद राजस्थान में ही नहीं लगाई होगी इतनी क्लास, शुरू से लेके अब तक उनकी सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक क्लासें चलती थी। राजस्थान में तो किसी ने लगाई नहीं, इतनी मैं दावा करता हूँ 3 महीने। हम कोशिश यही करते हैं कि आप बाहर से हमसे उम्मीद लेके आए हो, हम हमारी तरफ से कोई कमी न रखे। डिजिटल बोर्ड की जगह अगर वो बोर्ड हो तो भी पढ़ लेंगे बच्चे, लेकिन फिर भी कोई चीज की उसे कमी नजर नहीं आनी चाहिए। ये इतना बड़ो डांडो डेरो खड़े करें, इनको ब्याज को नहीं आवाज को थाना ऑफलाइन में पढ़ाऊंगी हूँ, यानी इस पर जितने लगे ना उसका ब्याज नहीं आएगा। लेकिन फिर भी सिर्फ इस उम्मीद में कि जो बच्चा यहाँ आया वहां बैठते थे भयंकर गर्मी हालत खराब, फिर भी बच्चे पढ़ते थे। अभी एक बच्ची जो कौन सी थी सेवा की, कहाँ गई वो, आया शाबाश, सेवा अपने नजदीकी गांव है, 10-15 किलोमीटर है, सावा थोड़ी सेवा है, सेवा एक सावा है, गुजरो गुजरो, सेवा एक सावा सेवु है, सेवु है। इस बच्ची का आज ही आया कि इस बच्ची का सिलेक्शन हुआ है ग्राम सेवक में, डबल में है, लेकिन हो जाएगा, 8 नंबर ऊपर है तो आराम से हो जाएगा। अगर मान लो कि नहीं भी हुआ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये इंटेलिजेंट है, किसी ना किसी भर्ती में अपना सिलेक्शन करवा भी लेगी। सब पेपर जो होता है कि बड़ो आप पहले जिक्र करने लग गया, नहीं हो तो फिर ज्यादा ही वो हर्ट होगा, आदमी तैयारी करके दोबारा अपने ढंग से सिलेक्शन करवाएगा। कई बार क्या किसी चीज का जिक्र करने से भी फायदा होता है, तो यहाँ आयो जिक्र करते हो, तैयारी करो सगड़े जिक्र करते हो, इन बात में क्या होगा, नहीं हो तो बेइज्जती ज्यादा भाई करवाए ना सारे रिश्तेदार में सारे कह दियो। तो खुशी इस चीज़ की है क्योंकि इससे पहले भी यहाँ नज़दीक गांव है मैलाना की, उसकी लड़की उसमें भी एक लड़की का ऐसा ही इंटरव्यू तक गई है कि आगे वो न हो एक अलग बात है, इंटरव्यू तक गए, तो वो बच्ची भी आई थी, उसने एक ही बात बोली थी कि गुरुजी मार तो जयपुर सीख कर जाना सपनों ही ले जा, और माने 8 हाँ में इनकार पढ़ लिया। अब ये बच्ची कभी नहीं जा पाती, कई बार यहाँ आते हो कहीं कहते नहीं थे अट क्या में आयो, मानली छोरी तो जयपुर जा रही है, अरे तो थारी छोरी को बढ़िया भाग्य हो, फिर बढ़िया रुपया और बाप मिल गया, सगड़ा मिलने कोई जरूरी थोड़ी है भाई, सब लड़कियां कोई जयपुर थोड़ी जा पाएगी, सब लड़के कोई जयपुर थोड़ी जा पाएगी, जो नहीं जा पाते उनके लिए हम हैं। तो तैयारी में जाओ एक बार, बहुत बढ़िया, चलो बैठ इतना ही नहीं, लड़का अपटे बोले अपटे, सिर्फ लड़कियां हैं, ये मातृशक्ति है, महिला किसी भी फील्ड में महिला कभी कमजोर नहीं है। महिला को जानबूझ के पुरुषों द्वारा कमजोर किया गया ताकि पुरुष बचे रहे। आप देखो महिलाएं 10-10 बच्चों को जन्म देने के बाद भी पुरुष से ज्यादा जीती है महिला, 5 साल एवरेज उम्र महिला की ज्यादा है, महिलाएं कम बीमार पड़ती है। जितनी भी महिलाओं की बीमारी है उसकी वजह ही कहीं ना कहीं पुरुष है। इस दुनिया में अगर 100 लड़कियां जन्म लेती है तो 115 लड़के जन्म लेते हैं, जिसमें से 15 लड़कों की मृत्यु हो जाती है, जबकि लड़कियां बीमार भी कम पड़ती है, मृत्यु कम आपसे ज्यादा चाहिए। तो मजबूत आप खुद को दादो 60 साल को होता ही और बैठ जाओ माचे पर, और दादी लास्ट तक भी काम करती रहेगी वो, क्योंकि महिलाएं कभी कमजोर नहीं, पुरुषों ने इनको इसलिए दबाया। अब आप सोचो हमने महिलाओं की इच्छाएं दबाई, किसी की इच्छा है पढ़ने की और उसकी शादी के बाद घरवाले कहते कौन पढ़ने रह जा, वो अपनी इच्छा को दबा लेगी, और भी उसकी इच्छाएं जितनी भी है सब दबा लेगी,
अगर ऐसा पुरुषों के साथ होता तो दुनिया के सारे पुरुष पागल हो गए होते। तो हमने ये सोचा कि इनको दबाया जाए ताकि ये हमसे कहीं आगे ना निकल जाए, लेकिन आज मौका है, आज हमारे संविधान ने इनको मौका दिया है। महिलाएं किसी मामले में कमजोर है, हारी आज पहली बार आगे बढ़ाई के लिए मैं हारी बढ़ाई। तो प्रोग्राम आपका है, चलता रहेगा, हम तो समापन पे कहोगे तो आ जाएंगे, बाकी प्रोग्राम बढ़िया चल रहा है तो चलने दो, बाद में मुलाकात आप 3 महीना चलता ही रहे, आगे चलता रहना। चलो शुरुआत करो आगे। अच्छा मंजिल पर मंजिल पर ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, हाँ तो बोल दी। दूसरी देखो, वो तो चांद चांद के कई बार क्या तो पता नहीं चलता कि कौन सी चीज कब फेमस हो जाए, वो तो ऐसे माहौल था और बोल दिया। मुक्त की मिले तो अली जनाब पीते हैं, और जब पीते हैं तो फिर बेशुमार पीते हैं। दारू बेचकर जिसने घर खरीदा था आज उसी के बेटे घर बेचकर दारू पीते हैं। मां साडे को मेरा प्रणाम, मेरे सभी आदरणीय गुरुजनों को मेरा प्रणाम, सभी भाइयों और बहनों को जय श्री कृष्णा। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि जिन सर को मैंने 10th क्लास में देखा था तब से मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। सबसे पहली वीडियो तो याद है, एकीकरण की वीडियो देखी मैंने, वो उसका मेरा आज तक कहीं पर भी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। लगभग मैंने इनकी सारी वीडियो देखी आज तक की, अभी भी फोन में 20-25 वीडियो सेव मिलेगी। मैं 2 दिन से सर के लिए ना कुछ सोच रही हूँ, क्या बोलूँ, वर्ड ही नहीं मिले। सारे ऐसे लगते हैं ये भी फिक्का है, कुछ स्पेशल बोलूँ पर वर्ड ही नहीं मिले। ये हुनर, ये सादगी, ये अपनेपन की मूरत नहीं देखी, किरदार तो बहुत देखे हैं जमाने में, मगर सुभाष सर आपके जैसी शख्सियत नहीं रखी। मैं इस संस्था के, यानी आज तक मैंने जितने भी कोचिंग वगैरह देखे हैं जिनमें 20-25 हज़ार उनकी कोचिंग फीस है, वहाँ पे सारे जाते हैं, बोर हो जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई सिंसियर है वही पढ़ पाता है वहाँ पे। हम जैसे नॉर्मल वाले जो जाते हैं वो तो वो देख देख के उनको जो याद होता है वो भी भूल जाते हैं। इतना अच्छा माहौल जो इस कोचिंग में है शायद कहीं पे नहीं देखने को मिलेगा। आप सभी सहमत है ना मेरी इस बात से? कोचिंग का स्टाफ सारे ए से बढ़कर एक हैं, सबके बारे में मैं 2-2 लाइन बोलना चाहूंगी। नारायण सर के बोलने का तरीका है याद नहीं हुई, वो कहानियों में ऐसे समझाते हैं कि भूल ही नहीं पाते।
और भी हसीन लगते हो, और भी हसीन लगते हो कि काला सूट पहनकर आया करो। मुस्कुराना जिस्म का जेवर है, रूह बढ़ता है, मुस्कुराया करो। आज मेरी कलम कहती है मुझसे, आज मेरी कलम कहती है मुझसे, बता तेरे लिए क्या लिखूं, गुरु को गुरु लिखूं या सुभाष नारा लिखूं। ए मौसम तू इतना जो गरज रहा है, ए मौसम तू इतना जो गरज रहा है, तेरा मौसम में मिजाज क्या है, गरज ले जितना गरजना है, बरस कर दिखा जरा हम भी तो देखें तेरी औकात क्या है। सर के लिए खुदा महफूज रखे आपको इन तीनों बलाओं से, खुदा महफूज रखे आपको इन तीनों बलाओं से, हकीमों से, वकीलों से, हसीनों की निगाहों से। न चादर बड़ी कीजिए, न ख्वाहिशें दफन कीजिए, न चादर बड़ी कीजिए, न ख्वाहिशें दफन कीजिए, चार दिनों की हर जिंदगी बस चैन से बसर कीजिए। न परेशान किसी को कीजिए, न हैरान किसी को कीजिए, न परेशान किसी को कीजिए, न हैरान किसी को कीजिए, कोई लाख गलत भी बोले बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए। न रूठा किसी से कीजिए, न झूठा वादा किसी से कीजिए, न रूठा किसी से कीजिए, न झूठा वादा किसी से कीजिए, कुछ फुर्सत के पल निकालिए, कभी खुद से भी बात कीजिए। तो क्यों
गया, यहाँ पे आने के लिए क्यों सूझ गया, मैं मतलब कंफ्यूज हो गई। वो लगता है मुझे पता है, बट मेरे को मतलब बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं कि 10 घंटे जा रहे हैं, तो मेरे को लगा कि यहाँ पे 4 घंटे की भी स्टडी नहीं हो रही। हाँ, मेरे को यही फील हुआ। देन मैंने सोचा कि फर्स्ट ओपिनियन में क्या जज करना किसी को, क्योंकि शिक्षक की मैं ये नहीं कह रही कि टीचर्स की फॉल्ट थी, वहाँ पे स्टूडेंट्स खुद से कर रहे थे मस्ती, तो टीचर्स भी इन्वॉल्व होंगे, ये कोई दो राय नहीं है इस चीज़ में। देन मैंने सोचा चलो पहला दिन है, हो सकता है कि बुरा गया, कोई नहीं। मैंने अगले दिन आई तो मेरे को मतलब इतना सुपर फील हुआ, टीचर स्टूडेंट का जो कॉम्बिनेशन मेरे को देखने को मिला, तहे दिल से शुक्रिया सर। मुझे मतलब मेरे भैया के ओपिनियन पे 0% कहते हैं ना कि वो भी मतलब कि 1% भी डाउट नहीं रहा कि उन्होंने सबको चूज किया। एंड सब कह रहे हैं, सभी नए जमाने के मतलब गाने वाने सब गा रहे हैं, तो मैं मुझे लग रहा है कि सभी को पुराने सब पसंद है टीचर्स को, तो मैं प्रस्तुत करना चाहूँ। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो भूल गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे कोई नगमा कहीं गूंजा, कहा दिल ने ये तू आई, कहीं चटकी कली कोई, मैं ये समझा तू शर्माई, बना देगा नहीं किसको जवा जादू ये दीवाना। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो भूल गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। धन्यवाद। तो सबसे पहले आप सभी का तहे दिल से आभार कि आपने हमारी पूरी गुरुकुल टीम पर इतना विश्वास जताया और इस विश्वास पर हम खरे उतरे, क्या नहीं उतरे भी? हमें जब हमने 2019 29 जनवरी इतिहास में क्या मायने रखती है बताइएगा, इतिहास में कोई घटना हुई है? कल मुझे सर्च करके लाके दीजिएगा, इतिहास में 29 जनवरी को कोई घटना हुई थी? कल आप सर्च करके आओगे आपके लिए क्वेश्चन, और इतिहास में हमारे लिए क्वेश्चन कि उस दिन हमने गुरुकुल संस्थान की शुरुआत की। और सबसे पहले मेरे आदरणीय गुरुदेव सुहरजी चारण, इनको हमेशा से फॉलो करते रहा और इनके नक्शे कदम पर ही चलने का प्रयास कर रहे हैं, फिर कई बार त्रुटियां हो जाती है, कोई बात नहीं हम संभाल लेते हैं इतना तो। और इन्होंने एक ही बात कही थी कि हमारे पास कोई बच्चा है तो ऐसा ना हो कि वो यहाँ से पढ़ ले और दूसरी कोचिंग में जाके पढ़ ले, या तो उसे इतना पढ़ा दो कि वो दूसरे टीचर की क्लास लगाए नहीं, अगर लगाए तो फिर टीचर को ना पढ़ाए दे, इतना मैटर उसे उपलब्ध करवा दो। तो आज की बात करें, आज का जो दिन है वो क्यों महत्वपूर्ण है? आज है अंतर्राष्ट्रीय, तो बताइए फिर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब से मनाया जा रहा है? बस आज ही अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाने के पीछे का रीजन क्या था कि सभी जो देश थे वो अलग अलग तारीख को मनाते थे, कोई अक्टूबर के पहले वीक यानी संडे को मनाता था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा में 1994 से इसे 5 अक्टूबर के दिन से घोषित किया गया कि सभी देश 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय। तो आज कौन सा है फिर? 28वां। और अब की बार इसकी थीम क्या रखी गई है सबको पता होगी, क्योंकि आपके मैनेजमेंट का क्वेश्चन पक्का है यहाँ से, ठीक है ना? मैनेजमेंट का और साइको का क्वेश्चन पक्का, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आपके साथ, और वही हमारी गुरुकुल की थीम पहले से थी, अब की बार इन्होंने रखा है, नहीं देख कर रखा है कि ऐसी शिक्षा देनी है कि वो गुणवत्तापूर्ण हो और अच्छी टेक्निक से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं पत्थर बन जाऊं तो तुम पानी बन जाओ, तुम बहते रहो मैं उसमें लुढ़क लुढ़क कर गम सहता रहूं, मैं बनूं शब्द
तुम मेरी वाणी बन जाओ, मैं पत्थर बन जाऊं, तुम पानी बन जाओ। हम इस कदर मोहब्बत नहीं चाहते, हम इस कदर मोहब्बत नहीं चाहते कि आप हमारे मेहमान बन जाओ। अल्पत से जिंदगी भरी है, तुम मेरी कहानी बन जाओ, मैं पत्थर बन जाओ, तुम पानी बन जाओ। खुदा ने काबिलियत खूब बख्शी है, खुदा ने काबिलियत खूब बख्शी है, तुम कहो तो इंसान से हैवान बन जाऊं। जिंदगी ने तो बहुत कुछ दिया है, तुम कहो तो ठहरा हुआ पानी बन जाऊं, तुम कहो तो ठहरा हुआ पानी बन जाऊं। वे जुत्ती लैद कुंगरुआ वाली सिलक दे सूट सवा दे चाली मेले विच्चों एक परांदी मेल दी फिरा में आंदी जांदी चूड़ा रंग ला तू बाह चुपवा दे हाड़िया चूड़ा रंग ला तू बाह चुपवा दे हाड़िया वे मैनू गड्डे ते पंजाब सुन हुसन दिए सरकारे हौली आवत नगरे वारे नी गल सुन हुसन दिए सरकारे हौली आवत नगरे वारे साडी कादी है सरदारी जे तेरी रह गई रीज कुवारी तैनू सोने विच सारी ही मड़ा दू गोरिए ओए तैनू सोने विच सारी ही मड़ा दू गोरिए नी तेरा कला कला शौक मैं पगा दू गोरिए नी तेरा कला कला शौक मैं पगा दू गोरिए बन्ने बन्ने चूप दी विरी सोनिए गन्ने खेतां दे विच बन्ने बन्ने चूप दी फिरी सोनिए गन्ने सैर मैं खेतां दी करवा दूं नी भन के छलियां आप खवा दूं ओए तेरा तू ता थले आप मंजड़ा दूं सोनिए नी तेरा तू ता थले आप मंजड़ा दूं सोनिए नी तेरा कला कला शौक मैं पगा दूं गोरिए नी तेरा कंडे ते पंजाब कुआ दे टिक्का करना।
सिंपल फैशन क्यूट बना दे नखरा हाई रेट तेरा जान काट ले मर जानी यो अंडर 50 वेट तेरा अंडर 50